मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? आंसर शाहजहां ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? आंसर औरंगजेब को। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? आंसर औरंगजेब ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आंसर बहादुर शाह द्वितीय। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? आंसर 1576 ई में अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई? आंसर शेरशाह सूरी। सर के आजम किस शासक से संबंधित है? आंसर शेरशाह। शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर छत्रपति की। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? आंसर अष्ट प्रधान। किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? आंसर 1857 के विद्रोह को। वर्ष 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? आंसर मेरठ। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ तथा किसके खिलाफ था? आंसर लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश शासन के खिलाफ। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? आंसर 1905 ई में गवर्नर लॉर्ड कार्जन द्वारा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? आंसर 1911 में। कोलकाता में हिंदू कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किन के प्रयास से संभव हो सका? आंसर राजा राम मोहन राय। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? आंसर ए ओ ह्यूम को। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? आंसर क्लेमेंट एटली। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। कायदे आजम किसे नाम दिया गया था? आंसर मौलाना अली जिन्ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर मदन मोहन मालवीय। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर खान अब्दुल गफ्फर खान। भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? आंसर लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आंसर लेबर पार्टी। देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जलियांवाला बाग अमृतसर में आयोजित सभा पर गोली किसने चलाई थी? आंसर जनरल डायर। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी?
आंसर उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? आंसर 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन कब भारत आया था? आंसर 1927 ई में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर 5 मार्च 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आंसर 8 अगस्त 1942 को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? आंसर माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रिय दर्शनी किसका उपनाम है? आंसर इंदिरा गांधी। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? आंसर ग्वालियर। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड कैनिंग। भारत को कब स्वतंत्रता मिली? आंसर 15 अगस्त 1947 को। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? आंसर 1993 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? आंसर बेलगांव में 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर एनी बेसेंट। बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश का सबसे पुराना डाकघर कहाँ है? आंसर कोलकाता में जनरल पोस्ट ऑफिस। भारत के डाक टिकट में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर 15 अगस्त 1948 को जारी। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई? आंसर 1 अप्रैल 1986 को। पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? आंसर 6 अंक। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? आंसर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर न्यूयॉर्क। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? आंसर 193। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? आंसर 1945 से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
आंसर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर, हेग, नीदरलैंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? आंसर, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? आंसर, महासचिव। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर, 5 वर्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर, बेंगलुरु। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर, यूरी गागरिन, रूस। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर, नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन है? आंसर, वैलेंटिना टेरेस्कोवा, रूस। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा जनरल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।